Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says two fat astronauts, each of mass 120 kilogram, are traveling in a closed spaceship moving at a speed of 15 kilometer per second in the outer space, far removed from all other material objects. The total mass of the spaceship and its contents, including the astronauts, is 660 kilogram. If the astronauts do slimming exercise and thereby reduce their masses to 90 kilogram each, with what velocity will the spaceship move? फाइन. सो देखो, इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है. इनिशियली द मास ऑफ ईच एस्ट्रोनॉट इज गिवन 120 किलोग्राम, राइट? और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप इज गिवन 15 किलोमीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये कुछ एक्सरसाइज करते हैं, स्लिमिंग एक्सरसाइज, एंड फाइनली इनका जो मास है वो 90 किलोग्राम हो जाता है, राइट? सो वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप. अगर मैं इस स्पेसशिप को अपना सिस्टम ट्रीट करता हूँ, इफ़ आई टेक दिस स्पेसशिप एज माय सिस्टम, देन व्हाट इज़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम? क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है इस सिस्टम में? नहीं. सो इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन मोमेंटम विल नॉट चेंज, राइट? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मीन्स इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा. वॉट इज मोमेंटम? दैट इज मास इंटू वेलोसिटी. अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनका मास रिड्यूस हो गया. जैसे ईच एस्ट्रोनॉट का जो मास है वो 30 किलोग्राम रिड्यूस हो गया. सो अगर मैं टोटल मास की बात करूं, सो वी कैन से कि जो फाइनल कंडीशन है वहां पे ऐसा लग रहा है कि 60 किलोग्राम का मास रिड्यूस हो गया है. सो अगर मास रिड्यूस हो गया है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जानी चाहिए, बिकॉज मोमेंटम कंजर्व रहना है. बट आप इस तरह से देखो कि क्या एक्चुअल में मास रिड्यूस हुआ है सिस्टम का? लाइक व्हाट हैपन्स व्हेन वी डू एक्सरसाइज? जो हमारा फैट है वो कहाँ जाता है? क्या वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा? लाइक वो एकदम से गायब हो जाएगा व्हेन दीज टू एस्ट्रोनॉट्स विल डू एक्सरसाइज? या फिर कोई बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके सिस्टम में ही स्टोर हो जाएगा? सो आपको पता होना चाहिए कि यू नो, जो फैट है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो फैट है उसका होता क्या है. सो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था. आई डोंट यू नो मच ऑफ बायोलॉजी. देन आई सर्च इट ऑन गूगल, लाइक हाउ द फैट इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी बाय एक्सरसाइज. देन आई गॉट दिस आंसर, लाइक यूअर बॉडी मस्ट dispose of fat deposits through a series of complicated metabolic pathways. The byproducts of fat metabolism leave your body as water through your skin when you sweat, and your kidneys when you urinate, as carbon dioxide through your lungs when you breathe out. Fine. So ye keh raha hai ki you know, jab aap exercise karte ho to jo fat hai wo byproducts mein convert ho jata hai in the form of water और कार्बन डाइऑक्साइड. सो आप इस तरह से इसे फील करो ये प्रॉब्लम को, कि जो फैट था, जो 60 किलोग्राम का डिफरेंस आ रहा है ना, वो अभी भी सिस्टम के अंदर ही है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. सो जो मास है ऑफ द सिस्टम वो चेंज नहीं हुआ है. जस्ट इस तरह से देखो कि जो फैट है इनिशियली एस्ट्रोनॉट्स के अंदर था, अब वो किसी दूसरे फॉर्म में सिस्टम में ही है. सो अगर मास चेंज नहीं हो रहा, देन वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, राइट? नाउ कुछ यू नो सम ऑफ स्टूडेंट्स में से कि इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी के फॉर्म में कुछ मास कन्वर्ट हो सकता है. सो ऑफकोर्स वो हो सकता है, बट आई थिंक दैट विल बी वेरी माइनर, है ना? उसमें बहुत ज़्यादा मास का डिफरेंस नहीं आएगा. सो वी विल नॉट इनकाउंटर मच और सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, राइट? वेलोसिटी में उतना चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मास टू हीट एंड एनर्जी, राइट? फाइन. अगर हम इस तरह से देखते हैं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाट विल हैपन अगर ये जो स्पेसशिप है ये ओपन होता? तो अगर हम कहते हैं कि ये स्पेसशिप ओपन है, सो दैट कि ये जो बाई प्रोडक्ट्स बने हैं ये निकल सकते हैं इस स्पेसशिप से, यू नो द बाई प्रोडक्ट्स दे कैन कम आउट ऑफ दिस स्पेसशिप, तब क्या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप चेंज हो जाएगा? देखो, उस केस में भी चेंज नहीं होगा. क्यों? बिकॉज ये जो बाई प्रोडक्ट है ये अभी भी सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, 15 किलोमीटर पर आवर, राइट? सो व्हाट हैज़ हैपन्ड? आप देखो, एक कैपिटल मास है जो कि इनिशियली वी से मूव कर रहा है, ये आपका सिस्टम. नाउ व्हाट हैपन्स कि ये इसमें से एक स्मॉल एम मास बाहर हो गया. सो फाइनल कंडीशन में ये आपका कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम, मीन्स ये जो कैपिटल एम है, इसमें से स्मॉल एम मास अगर मैं रिमूव कर दूँ, सो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम और ये स्मॉल एम दोनों वी वेलोसिटी से मूव करने लगे. अभी ये जो स्मॉल एम है, ये जो बाई प्रोडक्ट है, ये आपके स्पेसशिप के अंदर नहीं है, बट अभी भी आपके सिस्टम का पार्ट है. मीन्स अगर ये जो बाई प्रोडक्ट है ये स्पेसशिप से आप बाहर भी कर दोगे, देन स्टिल द वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप विल नॉट चेंज, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो अभी भी सिस्टम का पार्ट है और वो अभी भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
राइट. सो सिस्टम का मास जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप चेंज नहीं होगा. फाइन. सो आई थिंक इट्स क्लियर. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक.